राजनांदगांव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। राजनांदगांव में दिए गए मेरे बयान पर तिल का ताड़ बनाया गया है। मेरे कहने का मतलब है उसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शुद्ध रूप से कबीरपंथी हूँ। मैं किसी के अपमान और प्रधानमंत्री के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे बारे में जो भी प्रचारित किया जा रहा है वह हास्यास्पद है। के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था।